शीघ्र से शीघ्र जाकर मंगल कार्य वालों को बुलाकर लाओ। और हाँ, आरती की चाल लाना बंद करना। माता की प्रणाम। आयुष्मान हो। माता को प्रणाम। आयुष्मान हो। क्लियर नहीं आ रही यार मेरे को। बेटा है? व्हाइट लाइट है ना ये। हाँ कुशल से सब है। हाँ माता, नैनीहाल में तो सब कुशल से है, लेकिन आप ये बताइए माता, पिताश्री कहाँ है? सॉरी सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। और ये आपके वस्त्र कैसे माता, ये आपने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? बेटा भरत, रस्ते के कपान को दूर करके पहले थोड़ा जल पान कर लो, धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी थकावट तो पिताश्री के दर्शन मात्र से ही हो जाएगी। जल्दी बताइए माता, पिताश्री कहाँ है? बेटा भरत, शोक है कि तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर अंतिम समय में मैं अभागा भरत
माता जी तो बताइए पिताजी को कोई रोग था क्या? नहीं बेटा। तो क्या हो माता, कुछ तो कारण बताइए माता, ये तो बताइए अंतिम समय में पिताजी ने भरत का नाम लिया था क्या? बेटा भरत, महाराज ने जब रामचंद्र जी को राज तिलक करने को कहा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तब मुझे मंत्रा ने सुझाव दिया और मुझे याद आया कि राजा ने कभी मुझे दो वर देने का वचन दिया था। बस आज मैंने उनसे वही दो वर मांग लिया। एक में तुम्हारे लिए राजधानी और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लिया। हाय राम, भैया राम, क्यों ऐसा क्या हो गया था जो भैया को भी वन में जाना पड़ा? क्या ऐसा नगरी में हो गया था जो भैया राम भी वन चले गए? माता बताओ ना, ऐसा क्या हो गया था माता? राजा बड़े बड़े शुभ कार्य का फल भोगकर स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए शोक मत कर राज करो। अब मालूम हुआ यह सारी की सारी आग यह काम तुमने ही किया है। क्या तेरे को तनिक भी शर्म नहीं आई? तेरे को थोड़ा भी लज्जा ना आई? एक बार भी नहीं सोचा भैया राम के बिना ये भरत कैसे जी सकता है, कैसे जी सकता है? कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा करी धूप सर पे अपने सहती होगी? तब तू बाथरूम में चल अत्यंत निकल होती होंगी रजनी के सूखे पत्तों में कांटों में कैसे चलती होंगी? भैया राम और भ्राता लक्ष्मण जैसा भाई हो, घर में कुमारी दासी मंत्रा और ये दुख कभी माता हो, इतने दुख की धारा पर यह वज्र गिरा। क्या कहे प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को नर जीवन पाया मुस्तर भागी ने? राजा शत्रुघ्न शरीर नदी के पार तक तुम मुझको पहुंचा देता। हो दाह करम पिताजी का मेरी भी चिता चला देना, मेरी भी चिता चला देना। दुर्वचनी, तूने जब ऐसा बोला था तेरी जुबान पक क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? एक बार तो सोच लिया होता वो कौशल्या माता के बारे में, कुछ तो सोचा होता वो सीता माता जो मखमल के खत्तों में सोती थी। आज
घाट पत्तों में, घाटों में, पत्तों में चलती है। बेटा भरत, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो किया। वो तो भला हो उस मंत्रा का जिसने मुझे समय पर सुचेत कर दिया। तेरा राज पापी, तेरा राज पापी बिस्के समान है, जिसे तू नाथ कहती है, वो मेरे लिए कंकर और पत्थर के समान है, वो मेरे लिए पत्थर और कंकर है। मैयारी तेरे क्या ठानी मन में, राम सिया तू भेज नैनी बन में। चलो आरती करो। अरे यो नी ठीक है कली, क्या आप धन सदा का लाई है? रघुपुर का जनता तुम्हें पूजा दिया और हमें दिखाने आई है। Thank you.
हुआ था। इसमें